14 सितंबर से शनि के घर में आ जाएंगे गुरु। शनि के संग उनके घर में बैठ जाएंगे गुरु। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरु का मकर में जाना, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन गुरु धनी राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 22 नवंबर तक मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से कुछ राशियों का भाग्योदय होना तय है। आइए इस वीडियोस के माध्यम से जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश किन राशियों के लिए शुभ रहेगा और उनके लिए उन्नतिदायक रहेगा। आइए बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि की। देवगुरु बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश से मेष राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी, अनुकूलता की प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपको बता दें कि मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यापार के लिए 14 सितंबर से 20 नवंबर का समय किसी वरदान से कम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी फलदायी रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए काफ़ी बेहतर समय है। देवगुरु बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश करने से शुभ परिणामों में वृद्धि होगी, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा, यश प्राप्त होगा, आध्यात्मिक वृद्धि होगी और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा। अगली राशि जो है उसके बारे में बात करेंगे। खासकर इनको नौकरी और व्यापार में तरक्की करेंगे, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अगली राशि जो है वह वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं है। आर्थिक समस्याओं से लाभ मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। नया वाहन या मकान खरीदने के योग बन रहे हैं। कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, आप बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे, दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। खासकर परिवार के सदस्यों और मित्रों का सहयोग मिलेगा, वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपको बता दें कि अपने लोगों से थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, अन्यथा थोड़ी परेशानी हो सकती है। लाभ के अवसर आपको मिलेंगे और आप धीरे धीरे क्रमशः बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए जो समय है वह देवगुरु बृहस्पति की कृपा से धनु राशि के जातकों के लिए समय बेहद फलदायी रहने वाला है, वृद्धि वाला रहने वाला है। नौकरी और व्यापार के लिए ये समय शुभ रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुख का अनुभव करेंगे, धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ होगी। 14 दिनों तक इन राशि वालों के लिए हर दिन जो है बेहतरी रहेगा, समय बेहतर आने वाला है, आप अपने आप को बेहतर करते चले जाएंगे। समय वृद्धि कारक है, उन्नति कारक है, आप अपने आप को ध्यान देकर सकारात्मक प्रयास करें। अगली राशि मीन राशि। देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश मीन राशि वालों के लिए शुभ कहा जा सकता है। धन लाभ होगा जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, वृद्धि के योग बन रहे। मीन राशि के जातकों के लिए ये समय वरदान के समान है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, समय उन्नति वाला है। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।